नमस्कार, मैं हिमाचल अपडेट से आपका स्वागत करती हूं। नूरपुर विधानसभा की पंचायत नागाबाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाग मंदिर जठेरे पठानिया की मंदिर कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के प्रधान सेवानिवृत्त कर्नल रवि पठानिया ने की, जिसमें विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में कर्नल पठानिया ने बताया कि 16 जून 2019 को कमेटी का पुनर्गठन किया गया था। नीलम पठानिया की सदस्यता रद्द कर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया था और मुझे अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन नव गठित कमेटी का एक साल से भी ज़्यादा अवधि का कार्यकाल हो चुका है। पूरे प्रधान नीलम पठानिया द्वारा अभी तक उन्हें ना तो चार्ज दिया है, ना ही जरूरी दस्तावेज उनके हवाले किए हैं और ना ही युक्त कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट कमेटी के समक्ष रखी है। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में की गई संदिग्ध परिस्थितियों में वित्तीय गड़बड़ियों के चलते ही उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें प्रधान पद से हटाया गया था। कर्नल पठानिया ने कहा कि सोसाइटी अधिनियम 2006 के मुताबिक हर वर्ष सोसाइटी के खातों का ऑडिट होना चाहिए था, जिसकी रिपोर्ट SCM रजिस्टर को देनी होती है, लेकिन 2012 से 2019 तक कमेटी के खातों के ऑडिट का ही कोई अता पता नहीं है। कमेटी प्रशासन से मांग करती है कि शीघ्र ही उक्त कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। नटशेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोसाइटी हमारी 2012 में रजिस्टर हुई थी। मेरा इनका साथ संपर्क 2014-15 में शुरू हुआ था। बड़ा अच्छा काम किया श्री नीलम सिंह जी, प्रधान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। कलेक्शन की उसमें मैं भी शामिल था, लोगों के घरों घरों में जाके जब हमने ये सामने वाली ज़मीन खरीदनी। कमेटी भंग नहीं हुई है, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है सोसाइटी एक्ट के मुताबिक। साल में या दो साल के बाद या तीन साल तक एक कमेटी चलती है, जिसका प्रधान, उप प्रधान, कैशियर, मेंबर, सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं। लेकिन बीच में जो कागजी कार्रवाई जो पहले होती रही है, वो मुझे मालूम है, मेरे को बीच में लगाया था, तो हमने कभी इस चीज़ का, क्योंकि ब्लाइंड कॉन्फिडेंस था कि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, हमें कुछ नहीं दिक्कत। लेकिन बीच बीच में 2016-17 में भी मैंने भी पैसे दिए नीलम जी के, उनके टिम्बर में मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन पैसे जब मेरे वापस किए वो मंदिर फंड से वापस किए, तो ये थोड़ा सा शक पड़ता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तब ये 2016-17 में ये जब बात चल रही थी पे अकाउंट का हिसाब तब दो, तो नहीं दिया। फिर 2019 में जब कमेटी चेंज हुई, मतलब मेंबर्स चेंज हुए, प्रधान चेंज हुए, उप प्रधान, सेक्रेटरी वगैरह, कुछ पुराने भी थे मेंबर, सारे कुछ पुराने मेंबर भी हैं उसमें, हरवंश जी हैं, कान सिंह जी हैं, नरोत्तम जी हैं, रशपाल जी हैं, ये सब पुराने मेंबर भी हैं, इसमें कोई भंग करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन प्रधान चेंज हुए, खास करके प्रधान, तो उसके बाद जब इनसे हिसाब किताब मांगा तो आज नहीं कल, हर बारी जैसे 19 तारीख दिसंबर को आके देना था 2019 को, तो बीच में आके कुछ 15-16 इनके कोई फालतू जो मेंबर भी नहीं थे, 15-20 लोग आ गए, जिसमें कि थोड़ा सा सीना ताने भी कर रहे थे, ऊंची आवाज़ में कर रहे थे, तो जो मीटिंग थी उस दिन अननिर्णायक कुछ नहीं हुआ, ख़त्म होगी, क्योंकि मेरे को जाना था लेकिन मैं नहीं गया। उसकी रिपोर्ट फिर दूसरे दिन दी, क्योंकि बीच में थोड़े हल्ला करने वाले लोग ज़्यादा थे, तो इस करके वो हिसाब किताब नहीं मिला।